हाई एंड वेलकम टू स्वप्न ऑफ किचन। आज स्वप्न ऑफ किचन पे हम बनाएंगे असॉर्टेड वेजिटेबल बारबेक्यू इन चारकोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैरिनेट बनाना, और जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 400 ग्राम दही, जिसमें मैं मिला रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, 2 बड़ी चम्मच। अब डाल देते हैं इसमें गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। हल्दी 1 टेबलस्पून, 1 बड़ी चम्मच। अजवाइन 1 छोटी चम्मच, 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 बड़ी चम्मच। यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर और चाट मसाला दोनों बराबर मात्रा में लिया है, 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर या सौंठ, 1 छोटी चम्मच और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून या 1/4 छोटी चम्मच। और ज़रूरी नहीं है कि आप सफ़ेद मिर्च का उपयोग करें, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप स्वप्न ऑफ किचन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ मैंने डाला है पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 बड़ी चम्मच। और अब इसमें मिला देते हैं 1.5 बड़ी चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक, और मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। जो आपको स्वाद अनुसार डालना है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्वप्न ऑफ किचन के साथ साथ एक और चैनल है स्वप्न ऑफ लाइफस्टाइल, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंसेस हम उस पर शेयर करते हैं। तो सभी मसाले हमने दही में डाल दिए हैं और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एकदम स्मूथ होना चाहिए और ये मैरिनेट गाढ़ा ही रहेगा, इसलिए इसमें पानी नहीं मिलाएं। बारबेक्यू में जो असॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं उसमें हमने लिया है पनीर, ज़ुकीनी, जिसे मार्केट में ज़्यादातर मैंने सुना है लोग लंबा कद्दू भी बोलते हैं, और प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम। पनीर लिया है मैंने 600 ग्राम, जिसे मोटे क्यूब्स में काट लिया है, और जब ये पूरा बन के प्रिपेयर हो जाएगा तो ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो अब इसमें हम मैरिनेट को मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स करना है कि प्रॉपरली कोट हो जाए। और जब ये सभी बोल्स तैयार हो जाएंगे तो इन्हें कम से कम 1 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना देर आप रख सकें, 24 आवर्स, पूरा रात भर, तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 3 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इसे फिर से मिक्स कर लेती हूँ और इसे हम रख देंगे। तो 8 बज रहा है सुबह का और ये रात में 8 बजे लगभग मुझे बनाना है, तो ये 12 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहेगा। और चूंकि ठंड पड़ रही है तो हमें इसे फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सब्जियों पे आते हैं। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, मैंने सब्जियाँ ली हैं जिसमें है मशरूम, ज़ुकीनी और शिमला मिर्च, प्याज। थोड़ा सा प्रिक कर लेते हैं टूथपिक से, इससे फ्लेवर अंदर तक पहुँचेगा मशरूम में और मशरूम काफ़ी जूसी बनेंगे। सभी सब्जियों को हम क्यूब्स में काटेंगे। मैंने ज़ुकीनी को भी क्यूब में काट लिया है, इसे तुरई भी बोलते हैं, लंबा कद्दू भी बोलते हैं, जगह जगह पे अलग अलग तरीके से इसका नाम मैंने सुना है। अनियन को हम लेयरवाइज निकाल लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए थे जिसकी मैंने लेयर्स निकाली हैं, छोटे प्याज में लेयर्स नहीं निकल पाते बहुत आसानी से। और मैंने लिए हैं 3 शिमला मिर्च जिन्हें मैंने
लगभग सिमिलर साइज़ में काट लिया है। अब हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हमने पनीर में किया था। हम ये पूरा मिश्रण इसमें मिक्स कर देंगे मैरिनेट, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऑयल मिलाएंगे और फिर हम इसे भी ढक के रख देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जैसे भी आप मिक्स कर पाएँ। थोड़ी सब्ज़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो मुझे इस तरीके से मिक्स करना पड़ रहा है। सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं इसलिए मैं इसे इसी दूसरे बोल में भी थोड़ा ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ आधी सब्ज़ी, ताकि अच्छे से और अच्छे से इसे मिक्स कर पाऊँ। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, दो दो चम्मच, दो दो बड़े चम्मच मैं दोनों में ही मिलाऊंगी, दोनों ही बोल्स में, और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसे 12 घंटे के लिए रख रही हूँ, आप चाहें तो इसे एक घंटे के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्क्यूअर्स, मैंने डिस्पोजेबल स्क्यूअर्स लिए हैं और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, और 150 रुपीज़ में 150 स्क्यूअर्स मिलते हैं। ये पूरा एक पैकेट था। बैम्बू स्क्यूअर्स हैं, इन्हें ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें पानी में भिगोएं उसके बाद स्क्यू करें। अगर हम पास पास वेजिटेबल्स को लगाएंगे तो हमें इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेजर रीज़न इनको भिगोने का यही होता है कि स्क्यूअर्स जले ना, अगर हम बैम्बू या वुडन स्क्यूअर्स ले रहे हैं तो। तो बारबेक्यू करने के लिए कोल ऑलमोस्ट रेडी है, तो चलिए स्क्यूअर्स पे हम वेजिटेबल्स लगाना शुरू करते हैं और फिर इन्हें करते हैं बारबेक्यू। एक एक करके वेजिटेबल्स हम लगाते जाएंगे और स्टिक को हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसे आग को थोड़ा सा खोल लेते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा। तो इसे इस तरीके से हम टोंग या चिमटे की मदद से इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे। मैंने इस पे ग्रिल मेश नहीं रखा हुआ है तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे ही इसके ऊपर सीधी आंच पे सेक लेंगे। अब हम बाकी की स्टिक्स बना लेंगे और हम एक एक करके तेज़ आंच पे उन्हें रखते जाएंगे। बीच बीच में उसे धीमे धीमे हमें घुमा के सेकना है और ऑयलिंग भी करनी है। तो आप चाहें तो सेम ऑयल यूज़ करें जो हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, वरना इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे धीमे धीमे सेकेंगे। ये एक टेम्प्ररी बारबेक्यू ग्रिल है जो हमने घर पे बनाया है। मुश्किल से 120 रुपये में ही बन के तैयार हो गया है, तो जिसका लिंक आपको ऊपर आए बन के दिख रहा होगा तो उस पर आप क्लिक करिए तो आपको इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं और एक्सपेंसिव बारबेक्यू ग्रिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए बन के रेडी है और मैं इसे स्टिक से निकाल ले रही हूँ। अब इसे आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ, घर में बनाई हरी चटनी के साथ ट्राई करें। हरी चटनी का एक लिंक आपको ऊपर आई में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उसे भी ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्वप्नव किचन।